दोस्तों आज के वीडियो में Redmi Note 7 Pro के कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स हम देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए इसके रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना एंड वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो ये रहा Redmi Note 7 Pro आप देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फीचर हम देखेंगे कि कैसे अपने मोबाइल को टेस्ट करें। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है। तो यूजुअली सेटिंग्स जाने के लिए आप ऐसे स्वाइप डाउन करके यहाँ पर सेटिंग्स का आइकॉन पाएंगे ना अपने मोबाइल में। तो मैंने उस चीज़ को चेंज करके सर्च आइकॉन बदल दिया है। तो कैसे चेंज किया है ये एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, तो ज़रूर फुल वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है। तो फिलहाल हम यहीं से सेटिंग्स पर जाएंगे। तो सेटिंग्स में आपको जाना है अबाउट फ़ोन। तो सबसे पहला अबाउट फ़ोन है एंड यहां से क्या करेंगे, कर्नल वर्शन करके जो है यहां से आपको टैप करते रहना है 5-6 बार। तो इंस्टेंटली यहां CIT टेस्ट स्टार्ट हो गया है अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब कि अपने मोबाइल में जितने भी सेंसर्स है, मोबाइल के रिलेटेड जो भी है, आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं कि सारा चीज़ अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि लाइट सेंसर टेस्ट हो, चार्जर टेस्ट हो, एक्सेलरेटर, मैग्नेटिक सेंसर, जायरोस्कोप, ये सारा चीज़ यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मैं अभी कलर इस स्क्रीन पर कलर ठीक से आ रहा है या नहीं ये चेक करना चाहता हूँ, तो कलर पर टैप करूँगा, क्लिक द स्क्रीन टू स्टार्ट टेस्ट। तो RGB कलर्स पहले टेस्ट करेगा, रेड स्क्रीन, यहाँ पर कुछ अगर स्पॉट्स दिखाई दे रहा है आपको तो ज़रूर ऐसे होगा कि डिफेक्टिव पीस आपने पाया है, तो इस चीज़ को आप रिप्लेस करवा सकते हैं मोबाइल। तो वैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, देखिए ग्रीन स्क्रीन है, वैसे ब्लू आएगा नेक्स्ट। तो आप ऐसे देख सकते हैं, स्क्रीन को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद स्क्रीन टेस्ट कंप्लीट, स्पीकर कैलिब्रेशन, तो अपने आप नेक्स्ट टेस्ट पर चला गया। तो स्पीकर कैसे कैलिब्रेट करें, कुछ ना कुछ म्यूज़िक प्ले होगा एंड वैसे अभी आप सुन सकते हैं कि उसने म्यूज़िक को टेस्ट किया। तो अलग अलग डिफरेंट टेस्ट करने के बाद यहाँ से RDCFO टेम्परेचर कितना था तो स्पीकर का या फिर मोबाइल के अंदर, तो वो टेस्ट करके बताएगा एंड उसके बाद ओके एंड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे आप एरर पर टैप करके बैक ले सकते हैं जब कभी भी आपको बैक लेना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कलर टेस्ट पास हुआ था, स्पीकर कैलिब्रेशन भी पास हुआ। तो ऐसे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि ठीक से अपना मोबाइल चल रहा है या नहीं। ऐसे ढेर सारे 38 टेस्ट्स हैं, आप चेक करके देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो एक इंटरेस्टिंग सेटिंग था, अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो अगला सेटिंग हम देखेंगे, इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शंस पर जाना है। तो डेवलपर ऑप्शंस कैसे इनेबल करना है, फिर से अबाउट फ़ोन जाना है एंड यहाँ पर MIUI वर्शन करके जो है ना, इसके ऊपर आपको एक 5-6 बार ऐसे टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा मैसेज यहाँ पर, यू आर ए डेवलपर नाउ। तो यहाँ से मोर सेटिंग्स, तो यहाँ पर आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स। तो एडिशनल सेटिंग्स में लास्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस। तो डेवलपर ऑप्शंस में विंडो एनिमेशन स्केल को चेंज करना है, इससे आपका मोबाइल जो है, जो इंटरफेस है, वो बहुत ही फास्ट परफॉर्म करेगा। कैसे फास्ट होता है आप चेंज करके देखिए इस चीज़ को। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, विंडो एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इन सारे चीज़ का बाई डिफ़ॉल्ट 1x रहेगा, आप चेंज करके 0.5x कर दीजिए। एंड जब भी आप बैक लेंगे या फिर कुछ एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो देखिए झट से कितने फास्ट ओपन होता है कोई भी एप्लीकेशंस हो। ज़्यादा एनिमेशन यहाँ पर नहीं रहेगा, इसके वजह से बहुत ही फास्ट तेज़ी से अपना फ़ोन वर्क करेगा। देखिए इवन स्विचिंग ऐप्स, एक ऐप से दूसरे ऐप्स कितने फास्ट ऐसे ओपन होते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, देखिए अभी दिखाऊंगा मैं आपको। लेट्स से कि मैंने ट्रांजिशन विंडो एनिमेशन स्केल को 5x कर दिया, तो अभी मैं कुछ भी टाइप करूँ तो देखिए धीरे ऐसे ओपन होता है ना। तो इस एनिमेशन को फास्ट अगर करेंगे तो क्या होगा कि जल्दी से जल्दी अपना काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना है सारा चीज़ जो है वो 0.5x पर रख दीजिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है, आप चेंज करके ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट सेटिंग पर जाएंगे हम। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से डेवलपर मोड ऑप्शन में, तो इसके लिए सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स, डेवलपर ऑप्शंस एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है ये, कोई आपको नहीं बताएगा कि ऐसे चेंज करके यूज़ करो करके। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप ज़रूर चेंज करके यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही फास्ट होगा अपना मोबाइल एंड बैटरी भी ज़्यादा बचेगा। तो ये रहा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर टैप करना है आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट रहेगा, आप इस चीज़ को फोर्सेबली चेंज करके एटमोस्ट 2 प्रोसेस रख दीजिए बस। मतलब कि बैकग्राउंड में ज़्यादा एप्लीकेशंस रन नहीं होंगे, उससे क्या होगा कि आपका बैटरी बचेगा एंड वैसे बहुत फास्ट भी मोबाइल काम करेगा। तो एटमोस्ट 2 प्रोसेस रखना है, ये मेरा सजेशन है, आप जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग सेटिंग, इस चीज़ को चेंज करके ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे अपना फ़ोन इम्प्रूव हुआ है।
तो नेक्स्ट सेटिंग हम देखेंगे सेटिंग्स पर। तो सेटिंग्स में क्या करेंगे, हम नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर जाएंगे। तो ये रहा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो यहाँ पर क्या है, नोटिफिकेशन शेयर्ड शॉर्टकट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ कैसे मैंने सर्च बार को लाया, तो इसके लिए चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ सर्च है एंड सेटिंग्स है। तो अगर आपको सेटिंग्स अच्छा लगता है यहाँ पर, तो सेटिंग्स रख सकते हैं एंड इस चीज़ को चेंज करके सर्च भी रख सकते हैं। सर्च रखेंगे तो क्या होगा कि देखिए, ऐसे स्वाइप करता हूँ, इंस्टेंटली प्रेस करता हूँ, तो इंस्टेंटली आप गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो बहुत ही फास्ट हो गया सर्चिंग। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपने को कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वाला आप यहाँ से कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। तो मैंने सर्च को रखा है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उस पर आप रख सकते हैं। तो ये था अगला फीचर। तो दोस्तों, इतने सारे फीचर्स मैं बताऊँ इस वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से कुछ और फीचर्स अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ऐसे अच्छे फीचर्स आपको पसंद आते हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। तो चेंज करके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा फास्ट होगा अपना मोबाइल। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।